साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे भाई टिकट से रिलेटेड और फ्लाइट से रिलेटेड। आज तक की मुझे नहीं लगता इससे महंगी कोई फ्लाइट होने वाली है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आगे मैं फ्लाइट के अंदर का वीडियो भी आप लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे किसी ने ये वीडियो भेजा है तो आप लोगों तक ये पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को बहुत जल्दबाजी है कि भाई इंडिया जाना चाहे पैसा कितना ही लग जाए लेकिन जाना घर ही है। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है, आगे हम बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। तो भाई आज हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ने जब भी घोषणा की है, इंडियन गवर्नमेंट मान लीजिए, कोई भी कंट्री, एक्स वाई जेड कंट्री कोई भी हो, कोई इशू नहीं है, कोरोना को हराने का, कोरोना से बचने का गवर्नमेंट ने या सबने एक ही उपाय बता रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग यानी 3 मीटर की दूरी रखो, हाथों पे ग्लव्स लगाओ, मुंह पे मास्क लगाओ, हाथों को दिन में 3 बार धोवो वगैरह वगैरह, ये प्रोसेस ही बताया गया है। कोरोना का एक ही उपाय है, यही बचना है, आपको पता है। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका से रिलेटेड, अमेरिका से फ्लाइट आई है साथियों, उसमें भीड़ इतनी ज़बरदस्त है और किराए की आप सोच नहीं सकते, 2,28,000 रुपये की एक टिकट पड़ी है। यानी गवर्नमेंट ने यह बोला था, मैंने वीडियो बनाया था कि भाई अमेरिका से फ्लाइट का 1,00,000 रुपये खर्चा आएगा, जैसे दुबई का 15,000 वैसे, लेकिन ये टिकट खुद अपनी जुबानी वीडियो में बंदा बोल रहा है कि हमने आपको $3,000 पे किए हैं और 76 का भाव चल रहा है, देख लीजिए 2,25,000 के करीब की टिकट ऊपर ही बनती है। इतनी महंगी टिकट होने के बावजूद भीड़ में इतनी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, एक तरफ तीन सीटें, पूरी सीट एकदम फुल फ्लाइट भरी हुई है, जबकि ये बोला गया था एक बंदे को छोड़ के 400 फ्लाइट की कैपेसिटी होगी, उसमें 200 ही आएंगे, और चिल्ला के हजारों मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में, गवर्नमेंट की गाइडलाइन सब में यही लिखा हुआ है, सबको बोला हुआ है। मेरा ये वीडियो मकसद दिखाने का आपको इतना सा ही है, बाकी दिखाने का कोई औचित्य नहीं है, कि आपको सच्चाई का पता लग सके कि भाई सच्चाई वो नहीं है जो लोग बता रहे हैं, गवर्नमेंट बता रही है, आपको दिखाया जा रहा है। सच्चाई ये है, जो फ्लाइटें इंडिया में पहुंची हैं इनके हालात ये हैं कि अमेरिका से 2,50,000 रुपये की टिकट लेके भी लोगों को लड़ना पड़ रहा है, झगड़ना पड़ रहा है, लेकिन भाई लोग भी क्या करें, लोगों की मजबूरी है, हर इंसान घर आना चाहता है। अब अमेरिका से 7 फ्लाइटों की बुकिंग करी थी 7 मई से 13 मई के बीच में, और काफ़ी सारे हजारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डाल के अमेरिका जैसे सिटी, हॉटस्पॉट सेंटर, जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मौत वहीं पर हुई है, 70-80 हज़ार के करीब मौत हो चुकी है सबसे ज़्यादा, वह फिर भी वहाँ से लोग रिस्क लेके इंडिया पहुँच रहे हैं। अब आप बताइए जी, इतनी भीड़ की जगह में बैठ के अब कोरोना होगा नहीं तो क्या होगा, आप वीडियो देखिएगा पूरा वीडियो। आपने दो, आपने 3 सीटों के पैसे पर पर्सन आपने लिए, $3,000 आप चार्ज कर रहे हो, आप बेवकूफ समझ रहे हो? आप लोगों को गवर्नमेंट को चाहिए कि ओवरसीज से इमदाद चाहिए, पैसे चाहिए, आप सोचा है? पूरी दुनिया के अंदर सिंगल सीट पर सफर हो रहा है, आप लोग ये कहते हो कि नहीं जी कोरोना है तो बाहर है, अंदर जहाज में कुछ नहीं है, कल को मुझे कुछ हुआ मैं आप लोगों को छू करूंगा, आप लोगों को छू करूंगा। एक ही वक्त की चारों सीटें एक ही टाइम में, एट ए टाइम बुक क्यों बुक करी और क्या दौड़ें ABC कहाँ डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस कहाँ है मुझे वो बता दें। एयरपोर्ट पे आपने हर 10 मिनट के बाद अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, बड़ा बड़ा सैनिटाइजर दे रहे हैं आप, बड़ा सब कुछ बड़ा शो, एयरपोर्ट पे बुकिंग है, सोशल डिस्टेंस कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस कर रहे हैं, नहीं स्टार्ट कर, हमें स्पेस चाहिए, हमें स्पेस चाहिए, नहीं स्पेस क्यों नहीं हो, आपने हमसे पैसे लिए इस बात के कि हम आपको स्पेस के साथ लेके जाए, आपको दो प्लेन चलाने चाहिए, आप गगन मैडम 2 चलाओ 10 चलाओ हमें इससे कोई सरोकार नहीं, आपने जो हमसे कमिटमेंट की है हमें वो चाहिए, आप पैसे ले रहे हो, हमें अल्लाह वास्ते नहीं लेके जा रहे हो, जीत में हमें नहीं लेके जा रहे हो, 3 टाइम आप 3 टाइम हमसे किराया वसूल कर रहे हो, $1,400-1,500 का टिकट आप हमसे $3,000 एक तरफ के वन वे के आप चार्ज कर रहे हैं,
this is a shitty plane. Shitty plane. Of course. कितने चल रहे हैं आप? आपके कितनी सीटें सही हैं? लेकिन लेकिन ये सारी बातें एक तरफ जमीन को प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस किया हमें सोशल डिस्टेंस चाहिए हमें। वीडियो देख लिया, वीडियो में बस मेरा मकसद दिखाने का इतना सा ही है भाई, इंडिया बहुत सारे लोगों ने फोरम भरा रखे हैं, कम से कम 10 लाख से ऊपर फोरम पहुंच गए, आने से पहले सोच लें, देख लें सोशल डिस्टेंसिंग कितना महत्वपूर्ण है, या आपकी ज़िंदगी अगर आते आते खतरे में न पड़ जाए भाई, आप सोच लें समझ लें, इंडिया के भी माहौल ख़राब हो रहे हैं, 65,000-70,000 के करीब पहुँच चुके हैं। बस मेरा मकसद यही था आप लोगों को दिखाना, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।